हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आज का हालत है यहाँ पे का, जर्मनी का, ऐसा जर्मनी में हो रही है भयंकर गर्मी। भयंकर बोले तो दिल्ली में। हेलो, सच में बहुत गर्मी हो रही है ना? बहुत जबरदस्त गर्मी हो रही है, कसम से। अभी किचन में जो बाप रे बाप, ये मेन डोर है। आए तो करो भैया, बर्थडे पार्टी दिल्ली में होती है ना, जो ऐसा लग रहा है कोई तवे पे बैठा होगा। तवा बोलते हैं ना, उल्टे तवे पे, तवे पे बैठे होंगे ऐसा लग रहा है। इतनी गर्मी, ये अपना किचन के डोर है पीछे से, तो यहाँ से अपन अभी थोड़ा देर यहाँ पर साइड में ऐसे खड़ा हो गया, वरना कसम से यहाँ पर इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, उफ क्या बोलेगा। रेस्टोरेंट भी थोड़ा कम कम ही चल रहा है, एक्चुअली खास उतना बिजनेस नहीं है, सेल नहीं है। लोग थोड़ा बहुत शाम के टाइम आ जाते हैं, शाम का टाइम आते हैं थोड़ा देर, एक 6-7 बजे के बाद अराउंड चलता है। उसके बाद इतना कुछ खास नहीं चल रहा है आजकल रेस्टोरेंट। और क्या बताऊँ आप लोगों को, अपना भी सिचुएशन ऐसा ही है, ना वीज़ा है हाथ में ना कुछ है। तो गाइज, आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो भी आजकल ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। हो सकता है तो एक शॉट में उसको आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मेरे चैनल पे, और उसके चैनल को हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मेरे हिसाब से अच्छे ही होंगे। तो आज का व्लॉग रहेगा फ्लावर्स के बारे में और घर का जो काम चल रहा है उसके बारे में। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, जाके नीचे दिखाऊंगा धारा। मेरे साथ आए हैं 1 2 3 4 5 5 लोग आए। ये है आयुष। हाय गाइस, कैसे आप लोग? मेरे को लगता है आप ठीक। तो भी सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, सपोर्ट करो भाई, उसको नया नया शौक है उसको भी ब्लॉगिंग करने का। पापा मैं भी करूँगा बोलता है, तो मैं बोला ठीक है करो भाई, तो देखते हैं फिर। और आजकल बहुत दिन से सचिन का कमेंट नहीं आया था इधर भी उसमें चैनल पे, इसलिए सचिन को बोल रहा हूँ। कहाँ है सचिन आजकल? सचिन का कोई कमेंट वमेंट नहीं आया बहुत दिन से। अपने साथ भी एक सचिन तेंदुलकर, उस सीक्रेट है, आया था मेरे को अभी। बहुत सही बंदे ने सही कमेंट किया, एक्चुअल बोल रहा है कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट कब से शुरू होंगी। देखो अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, हाल फिलहाल जर्मनी में ऑलमोस्ट सारा खुल चुका है, सब एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका है ऑलरेडी। तो अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से अपॉइंटमेंट सारी खुलेंगी। आप लोग भी ट्राई करते रहो, और जो वेबसाइट है उसमें जाकर चेक करते रहो, जैसे जैसे खुलता है तो आप लोगों को अपडेट हो जाएगी वो सब, आप उसकी चिंता ना करें। तो हौरे का एक कमेंट आया था, वो था मनीष रॉक का। वो बोल रहा है कि भाई आप बैंगलोर में मुझे जॉब लगाओगे या नहीं? तो भाई मनीष भाई, मैं अभी जर्मनी में हूँ, मैं इंडिया और बैंगलोर में नहीं हूँ। तो आपको कोई जॉब की अगर कोई हेल्प चाहिए तो प्रॉपर आप डिस्क्रिप्शन में लिखो कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए। तो वैसे तो मैं सब लोगों से कनेक्टेड हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो किसी को अगर कोई जॉब ऑफ की रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर उनको हेल्प करेंगे उन लोगों को। तो आप लोगों की कुछ भी कमेंट है जॉब ऑफ के बारे में इंडिया में तो ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आप लोगों का जो कमेंट में लिखते हो तो क्लियर में लिख दो आप किस क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, और क्या आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉब देख रहे हैं। तो जो जो किसी किसी को अपन हेल्प करते रहते हैं, किसी किसी को मतलब जिसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से लिखना, ज़रूर हेल्प होगी, कोई बात नहीं ऐसा। प्रिया जी, आपकी कमेंट सुनकर सुनकर देख कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई तो है जो कि कमेंट आपने उसमें देखो, साफ और सीधा बात बोलूँ तो अपने लोग को चैनल पर भी है नया नया, और पता नहीं मेरे कंटेंट में दम नहीं है ना, आप लोग मुझे पसंद नहीं करते पता नहीं, और पसंद करते भी हो तो पता नहीं मुझे, क्योंकि अपनी वीडियो तो बहुत कम कम लोग ही देख रहे हैं आजकल। तो उसमें कुछ लोग देखते हैं तो बहुत बहुत बोले तो बहुत खुशी होती है जब एक कमेंट आती है उस पर, एक लाइक आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनका नाम कौन सा कमेंट है, प्रिया जैन बता रही हैं कि उनके वहाँ पर भी बहुत ठंडी हो रही है इंडिया के। एक सेकेंड, उनका पढ़ लेता हूँ मैं पूरा कमेंट। बोल रही है उत्तराखंड से कि वहाँ पर भी बहुत गर्मी है, क्या करें उत्तराखंड में गर्मी होने लग गए तो क्या बताएं। एक्चुअल ये जर्मनी में ना पता नहीं क्यों गर्मी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट देखा जाए ना
तो 6 से 7 महीना, 8 महीना तक, 8 महीना क्या 9 महीना ही समझ लो, मुझे ये 1.5 महीने ऐसे दिखेगा ये गर्मी, पर साल भर की औसत निकाल देते हैं गर्मी पूरा, इतनी डेंजर गर्मी होती है यहाँ पर। गर्मी बोले तो भयंकर गर्मी, मैं बोल नहीं रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि कोई तंदूर की भट्टी जल रही होगी आजू बाजू में। और वैसे भी अपना किचन का काम आप लोग समझ सकते हैं, किचन का क्या टेम्परेचर बना होगा आजकल, बाप रे बाप क्या गर्मी है। तो बोल रहे हैं दिल्ली उत्तराखंड में भी बहुत गर्मी है, होगा ही गर्मी, क्या करें भाई। अभी मैं तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग सिंगल टी शर्ट। जहाँ तक बात करें ना एक्चुअली ऑफिस वर्क का, तो जो ये एम्बेसी का वर्क है, देखने में आ रहा है कि समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि काम सब जगह ही ढीले, सब जगह ही। एक्चुअली यहाँ जर्मनी में कभी ऐसा नहीं होता था, यहाँ के जो ऑफिसेस हैं, यहाँ के जो लोग हैं, मतलब अपना सिस्टमेटिकली अपना काम को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ना कि जैसे कि वहाँ पे बहुत लोगों के पास मतलब वीज़ा नहीं है, विदाउट वीज़ा काम कर रहे हैं लोग यहाँ पर, रह रहे हैं मतलब, तो पता नहीं क्या सीन है। तो इंडिया से तो आप लोग हिसाब लगा सकते हो, समझ सकते हो कि वहाँ की क्या सिचुएशन होगी जब लॉकडाउन बोलेगा तो, और बहुत सारा सीन है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, आप लोग समझ आया था मेरे को। सूरज भाई का, सूरज कंडारी करके कुछ नाम है उनका, कंडारी या कंट का कुछ नाम है। तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे कि जर्मनी का ओपन हुआ है, और ओपन हुआ तो क्या हुआ, उसका वो कमेंट मेरे को कुछ उतना खास समझ में नहीं आया, पर ओवरऑल जैसा मैंने देखा उसको कमेंट लिखा हुआ है कि जर्मनी में जैसे एम्बेसी ओपन है तो आप दिल्ली की ट्रायल कर सकते हो क्या। तो कमेंट आप लिखते हो थोड़ा सा क्लियर क्लियर लिखा करो मेरे भाई, मेरी तो कम कम ही आता है समझ में कभी कभी ना। तो दिल्ली का ट्रायल आप कभी भी कर सकते हो, IICA का, वहाँ पर मेरे देखने से वहाँ पर कभी भी चालू है। उधर मैंने देखा था जब इतना ज़्यादा कोरोना था उस टाइम पे भी लोग वहाँ पर ट्रायल ले रहे थे। तो वही बोल रहा हूँ, इतना दिल्ली का तो कभी भी आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की अपॉइंटमेंट, दिल्ली का ट्रायल, वहाँ पर अपॉइंटमेंट बिल, वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पर उनको पूछ के वो इस हिसाब से वहाँ का आप लोग मतलब कर सकते हो। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं होगा या कुछ ऐसा और रेस्ट्रिक्शन एक होगा। कमेंट है भाई, वो अनिल सैनी भाई का वो कमेंट, उनका थोड़ा सा दुख भरा कमेंट लगा मुझे कि उनका पिताजी ने 25 साल जर्मनी में रहा, और 25 साल के बाद जब इंडिया गए तो उनका पापा का एक्सपायर हो गए, गुजर गए उनके पापा। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैं तो सही बोलूँ इसमें कि इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पर हो सकता है अगर कोई जर्मनी से ये वीडियो देख रहा है या किसी को इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो प्लीज़ इसके नीचे ज़रूर कमेंट करें यार, वो बंदे को थोड़ा हेल्प करें। हो सकता है उसके पापा ने यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस किया होगा अपना, या इंश्योरेंस तो जैसे हम लोग का होता ही है, तो वो तो खैर से थोड़ा दिनों के बाद अपने को इंडिया में मिल जाता है, थोड़ा सालों के बाद। पर उसके पापा ने 25 साल यहाँ पर रहे हैं और उसके बाद इंडिया गए और उनका डेथ हो गई, तो शायद जर्मन गवर्नमेंट उनकी कुछ मदद कर सकती है क्या, इसके बारे में अपने को भी आइडिया नहीं है। अगर है किसी को तो प्लीज़ ज़रूर इसमें कमेंट करें, बंदे को हेल्प होगी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वो बंदे की जो अभी एक कोरोना सीन में ऐसा हो रहा है, तो कोई मदद कर सकता है तो प्लीज़। का वीडियो थोड़ा छोटा है, छोटा सा ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कभी भी छोटा सा बनाने के लिए, पर हो जाती है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि थोड़ा बोलने का टाइम लगाता हूँ मैं थोड़ा बोलने के लिए। आप लोग जैसे कि समझते हो मेरे पर, समझते होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और अच्छा लगा ज़रा सा भी वीडियो तो एक लाइक का बटन दबा दे देना, लाइक करना और कमेंट करना, और आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताना यार, क्योंकि इतना थोड़ा टाइम निकाल कर अपन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों की खातिर ऐसा करना पड़ता है, और करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया रहेगा, और मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में जल्द से जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि परेशान सब रहते हैं, सब परेशान मतलब ज़िंदगी में परेशानी और लगी हुई है, परेशानी भी, खुशी भी, दुख भी, गम भी, सारे लगे हुए हैं। क्या करें, कभी खुशी बोलते हैं, कभी गम, कभी ज़्यादा तो थोड़ा, कभी कम, क्या करें, उसी भरोसे पे अपन भी चल रहे हैं। तो बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, टाटा बाय बाय।